डेअरी प्रोडक्ट म्हणजे हा दूध हा आपल्या संपूर्ण जीवनातला एक अविभाज्य घटक आहे जो आपल्याला नेहमी आपण रोज लहानपणापासून ते आपण घेऊन मोठे झालेलो आहोत. तर त्याचा अशा पद्धतीने एक उद्योजक म्हणून त्याचा व्यवसाय जर आपण आपण करायचा असेल तर हे वर्कशॉप करणं सगळ्यांसाठी आवश्यकता आहे. मेरा एक डेअरी फार्म आहे और वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आते थे जो पनीर चीज़ वगैरह बनाने के लिए. सो मैं यहाँ पे आया, कोर्स सीखा, बहुत ही अच्छा लगा. ट्रबल शूट हुआ, मतलब पता चला कि क्या क्या हमने गलतियाँ की है तो वो पता चली. टेपलू में 2 दिन का ट्रेनिंग था हमारा, 12 और 13 फरवरी का. काफ़ी अच्छा रहा. नॉलेज वाइज ऐसा समझ लीजिए कि जो फैकल्टी थे हमारे कंपनी साहब जी, उनका नॉलेज तो एस पार है. जैसे कि हमने ये ट्रबल शूटिंग का कोर्स देखा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक्चुअली डेयरी में प्रोसेसिंग करते हैं बट उसका टेक्निकल नो हाउ हमको नहीं होता और उसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट्स कई बार फेल हो जाते हैं. तो वो सब चीज़ें हमको यहाँ पे आने के बाद सीखने मिली है. टेक्निकलिटी जो है प्रोडक्ट्स बनाने की, वो हमें बहुत अच्छे से इस 2 दिन के टेक्निकल प्रोग्राम में सीखने मिली है. टेप्लू इंडिया लर्निंग कोर्स करके मैं बहुत खुश हूँ. इसके पहले भी हमारे वहाँ घरेलू प्रोडक्ट बनाए जाते थे मिल्क के, लेकिन उसमें हम लोगों को कायदा न होने की वजह से बहुत सी मिस्टेक्स होते थे जो यहाँ पर आके क्लियर हुआ है. मला डेअरी प्रोडक्ट शिकायचे होते त्यामुळे मी हा कोर्स जॉईन केला. पण सरांनी एवढं छान समजावलं की काय म्हणतात एकदम छोट्यातली छोटी गोष्ट म्हणजे एकदम क्लिअर झाली. आता म्हणजे मी माझं स्वतःचं काहीतरी छोटा मोठा बिझनेस सुरू करू शकते. ऐसा हर एक आदमी को ऐसा कोर्स करना चाहिए. इसमें इतना कोकणे सरने नॉलेज दिया और सब बताया चीज कैसा होता है, ट्रबल शूटिंग कैसा होता है इनका और क्या करना चाहिए, और प्रैक्टिकली उन्होंने सब इधर दिखाया हम लोगों को कैसा किया जाता है. और यहाँ पे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला जो हर स्टेजेस पे कौन से स्टेजेस पे क्या क्या प्रोडक्शन के टाइम पे जो प्रॉब्लम होने वाली है क्या आती है, वो इनहैंड नॉलेज मिलने से मैं आज कॉन्फिडेंटली यहाँ से मैं जा रहा हूँ. बढ़िया बात यह है टेप्लू के बारे में कि आपको यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इट इज़ जस्ट लाइक अ फैमिली. आपको फैमिली की तरह ही ट्रीट किया जाएगा यहाँ पर और एक फैमिली मेम्बर को जैसे अच्छे से संभाल के उसको समझाया जाता है कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा करना है, ठीक वैसे ही यहाँ पे आपको जो है मार्गदर्शन मिलता है.